इंडिया विंस आप देख रहे हैं जी बिजनेस स्पेशल। और एक चीज यहां पर खैर माननी चाहिए कि ये जो मुद्दा है इससे आंख मिचोली खेलने से कुछ नहीं होने वाला। जो प्रॉब्लम्स हैं निश्चित ही हैं, आप आंख बंद करके ये नहीं कह सकते कि भारत में सब कुछ ठीक ठाक है। डेफिनेटली प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल विल की भी प्रॉब्लम बनी हुई है। जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है ये आशंका बनी हुई है कि इन पर काफी गहरा असर पड़ेगा। हमने सोचा कि इनसे बातचीत की जाए, उनका भी यही कहना है कि निश्चित ही छोटी अवधि में नेगेटिव इंपैक्ट इसका होने वाला है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वे मानते हैं कि उनके लिए भी विकास की अच्छी संभावनाएं बनी हुई हैं। देश का पर्यटन उद्योग मुंबई की आतंकवादी घटना के बावजूद पर्यटकों को लेकर परेशान नहीं है। इंडस्ट्री को उम्मीद है कि ऐसी घटनाओं से सैलानी कम नहीं होंगे और मुंबई की घटना का असर कुछ दिनों तक ही रहेगा। ताजा आंकड़ों के मुताबिक सालाना भारत में 60 लाख विदेशी सैलानी घूमने आते हैं। इसमें से करीब 15 लाख सैलानी मुंबई एयरपोर्ट पर उतरते हैं। जानकार मानते हैं कि ऐसी आतंकवादी घटनाओं से मुंबई में सैलानियों की संख्या कुछ दिनों के लिए 15 से 20% कम हो सकती है, लेकिन पूरे देश की टूरिज्म इंडस्ट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, जिस आदमी ने शादी करी है, जिंदगी में एक ही बार शादी करी है, उसने हनीमून तो करना ही करना है। और ये पीक टूरिस्ट सीजन है, इसका अक्टूबर टू मार्च तक के 90% जो टूरिस्ट आ रहा है उन्होंने ऑलरेडी पेमेंट्स करी हुई हैं, कमिटमेंट्स करी हुई हैं। ये हो सकता है कि 2-4 दिन आगे पीछे करे। कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी भी जारी की है, लेकिन ये सिर्फ मुंबई तक ही सीमित है। इसमें सैलानियों को मुंबई से 2 से 3 दिन तक दूर रहने की सलाह दी है। ऑपरेटर्स के मुताबिक सैलानी अपने मुंबई घूमने के प्लान्स को महज कुछ दिनों के लिए टाल रहे हैं और इंडस्ट्री अपने सालाना टारगेट पूरे कर लेगी। जो अल्टीमेट हमारा टारगेट है कि हम अपने टारगेट को अचीव करें और इतने 10 से 15% की ग्रोथ होनी चाहिए इस साल के अंत में। लेकिन यही जैसे ये पीरियड होता है हमारा, काफ़ी पीक पीरियड होता है, तो इसमें जो हम कर पाएंगे वही होगा। अमेरिका, इंग्लैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों को भी कई बार आतंकवाद की मार सहनी पड़ी है, लेकिन इन देशों में टूरिज्म ठंडा नहीं पड़ा। भारत में भी इसी तरह से पर्यटन इंडस्ट्री की गाड़ी भी जल्द ही पटरी पर लौट आएगी। यूनान, रोम, मिस्र मिट गए जहां से, कुछ बात है ऐसी मगर बाकी नामो निशा हमारा। टूरिज्म इंडस्ट्री भी कुछ ऐसे ही इरादे के साथ खड़ी है और इन आतंकवादी घटनाओं से आगे बढ़कर एक बार फिर सैलानियों की खातिरदारी के लिए तैयार होगी। असीम चंदा, जी बिजनेस, दिल्ली।